शहर के कॉटन मार्केट से हत्तीडोह तक सड़क कार्य का भूमि पूजन पूर्व विधायक अनिल गोटे के हाथों संपन्न। पूर्व विधायक अनिल गोटे ने धुले विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। विरोधियों की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो सामान बिकता नहीं है उसकी ही विज्ञापन करनी पड़ती है। वरखेड़ी रोड से पारोला रोड पर स्थित किसान प्रतिमा और उससे आगे सीधे रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज दोपहर 12 बजे पूर्व विधायक अनिल गोटे के हाथों संपन्न हुआ। जन समुदाय के सामने अपनी बात रखते हुए अनिल गोटे ने कहा, इस सड़क के निर्माण से नगावबारी, नगाव, देवभाने, सोनगीर और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को कृषि उपज मंडी तक पहुंचने में आसानी होगी। ये रास्ता उनके लिए नजदीकी और कम भीड़भाड़ वाला होगा। नगावबारी से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सामान्य रास्ते से कम 40 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस नए रास्ते से सिर्फ 15 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे मन में कई नए विचार हैं। पुरानी सड़कों की मरम्मत करने की बजाय कुछ नया और उपयोगी निर्माण करने पर मेरा जोर रहता है। इस मौके पर लोक संग्राम पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने अपने नेता का जोरदार समर्थन किया। मैं दूसरे काम के लिए तो सर नवीन शहर के नवीन निर्माण के माजा कंपनी के आज ये करना आवश्यक होता है, पर आज जो कोई कर रहा है महापालिकेने केलं आहे, लोकप्रतिनिधी आमदारांनी केलं आहे, ही सगळी कामं भेटली त्याचा त्रासही मी खूप सहन केला। नवी जिल्ह्याचे दोन रस्ते आहेत, 5.5 किलोमीटर लांबीचे, एक इंच जमीन कुठल्या शेतकऱ्याची घेतलेली नाही। तुमच्या असं फुले वापरचं काय असे लोकांना भोगू द्या, एक इंच जमीन कुणाची खाजगी घेतली नाही, संबंध सरकारी जमिनीमध्ये काम केलेले आहे। या रस्त्यावर सुद्धा आता जे प्रभात नगर तो मार्केट कमी आहे, या रस्त्यावर सुद्धा त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त जाणे ही सरकारी आहे आणि थोडी बहुत जाणे ही शेतकऱ्यांची आहे। पलीकडे जो रस्ता आहे तो रस्ता बिलावी कापडले या गावांना अत्यंत जवळचं ठरणार आहे आणि हा रस्ता जो आहे ज्याचा आता आपण काम सुरू करूया, हा रस्ता नगावबारी नगाव देवाल म्हणजे या बाजूने येणाऱ्या मार्केटमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जवळचा ठरणार आहे। आज जर नगाव बाजूवरून स्टेशनपर्यंत जायचं असेल तर कमीत कमी 50 मिनिटं लागतात, 40-50 मिनिटं लागतात। मी तुम्हाला एक अत्यंत खात्रीपूर्वक सांगतो, हा रस्ता जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळेला 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला लगा मारे रेलवे स्टेशन पर जाता है।